नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। दिल्ली में ग्रेजुएट के लिए जूनियर असिस्टेंट की निकाली गई भर्तियां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने जूनियर असिस्टेंट के पद पर 18 वैकेंसी निकाली है। 18 में से 4 अनारक्षित है, 5 पद EWS, 2 SC, 3 ST और 4 OBC के लिए आरक्षित है, जिसके बाद अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार home.iitd.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 27 नवंबर है। वहीं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय से कम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों के पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इस बार एक ही दिन मनाई जाएगी धनतेरस और छोटी दिवाली। आज शुक्रवार के दिन ही धनतेरस और छोटी दिवाली के त्यौहार को मनाया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने बीते दिन ही धनतेरस के त्यौहार को मना लिया था। आज के दिन धनवंतरी जयंती भी होने के कारण अच्छे स्वास्थ्य की कामना से इस दिन उनका पूजन और हवन करना काफी लाभदायक होता है। इसके अलावा इस दिन सोने चांदी के आभूषण, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, बर्तन, वस्त्र, गिफ्ट आइटम आदि खरीदना बहुत ही उत्तम रहता है। वहीं छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी को मनाई जाती है, जिसके बाद आज ही छोटी दिवाली भी मनाई जाएगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 24 नवंबर तक होगा बीएड के छात्रों का रजिस्ट्रेशन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड सत्र 2019-21 के रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख जारी कर दी है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परीक्षा प्रपत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच भरे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब शुल्क के साथ 25 से 28 नवंबर की तारीख निर्धारित है, जबकि परीक्षा प्रपत्र भरने के लिए विलंब शुल्क के साथ 6 से 9 दिसंबर तक अवधि निर्धारित है। बकायेदार नॉन डोमेस्टिक सर्विस उपभोक्ता हो जाए सावधान। बिजली बिल जमा नहीं करना अब उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार पटना शहरी इलाके में बिजली बिल बकाया रखने वाले NDS उपभोक्ताओं को 15 दिन में नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद अगर फिर भी कोई उपभोक्ता तय किए गए समय पर बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो उनकी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पेसू ने बकायेदार उपभोक्ता से बिजली बिल वसूलने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए 13 डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के समय से ही NDS उपभोक्ताओं के यहाँ बिजली बिल बकाया थी। बिहार के पर्यटन स्थल में नालंदा के वेणुवन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वेणुवन बासों के वन में बसे वेणु विहार को उस समय के राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनाया था। वेणुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। वेणुवन के परिसर में एक नव वेणुवन विहार का निर्माण करवाया गया है और यहां एक विशाल बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही वैभव पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कई झरने, जहां सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। पुरुषों और महिलाओं के नहाने के लिए 22 कुंड बनाए गए, जिसमें ब्रह्मकुंड का पानी 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। बिहार पुलिस में 8,415 पदों पर बहाली की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। बिहार पुलिस में नौकरी की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। सिपाही के 8,415 पदों के लिए केंद्रीय चयन पर्षद ने आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पार्षद द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिकी सुरक्षा वाहिनी के लिए भर्ती की जाएगी, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केंद्रीय चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर आज से फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2020 है। आपको बता दें, इन पदों पर आवेदन भरने के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर से नीतीश कुमार होंगे विराजमान। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार मुख्यमंत्री पद पर किसी और चेहरे को बिठाया जाएगा। हालांकि अब स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को ही पहली पसंद बताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातों ही बातों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार बनने की बात कही है, जिसके बाद अब जानकारों की माने तो 16 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, जिसके बाद अब 7वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
छठ के दौरान बिहार में बढ़ सकती है ठंड। बिहार के कई जिलों में पुरवैया हवा के बाद पछुआ हवा चलने लगी है, जिससे रात के तापमान में दो दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। बीती रात की बात करें तो पटना का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, जिसका असर अब बिहार के भी मौसम पर पड़ेगा, लेकिन इसका असर बिहार में आने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 नवंबर के बाद पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा, जिसके बाद छठ तक बिहार में ठंड बढ़ सकती है। इसके साथ ही कई इलाकों में कुहासे भी छा सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मोहन मिश्रा की। मोहन मिश्रा एक भारतीय चिकित्सक है जो कि काला आजार और इसके उपचार के लिए जाने जाते हैं। जो भारत सरकार ने उन्हें 2014 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया था। मोहन मिश्रा का जन्म 19 मई 1937 को बिहार के मधुबनी जिले के कोइलख में हुआ था। डॉक्टर मिश्रा ने अपनी मेडिकल साख हासिल करने के बाद 1962 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 523 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,25,500 पर पहुंच गई है। वहीं राजधानी पटना में 112 सबसे अधिक मामले पाए गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह का जन्म आज ही के दिन साल 1780 में हुआ था। कहानीकार गद्य गीत लेखक राय कृष्णदास का जन्म 1892 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का जन्म 1968 में आज ही के दिन हुआ था। वहीं आज ही के दिन लाहौर में भगवान दास ने दुनिया को अलविदा साल 1589 में किया था। तेजस्वी यादव चुने गए राजद विधायक दल के नेता। बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद एनडीए की सरकार बनने की तैयारी जारी है। वहीं दूसरी तरफ राजद ने नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कर दी है। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता निर्वाचित कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के सभी 5 दलों ने यह निर्णय लिया है कि पहले के जैसे ही तेजस्वी सदन में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। हार के बाद कांग्रेस ने साधा नीतीश पर निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 सीटों पर सिमट जाने के बाद पार्टी महासचिव तारिक अनवर ने बीते दिन नीतीश कुमार पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में AIMIM का प्रवेश शुभ संकेत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीती है। भले ही भाजपा गठबंधन येन केन प्रकारेन चुनाव जीत गया, मगर सही में देखा जाए तो बिहार चुनाव हार गया है। इस बार बिहार परिवर्तन चाहता था, 15 वर्षों की निकम्मी सरकार से छुटकारा और बदहाली से निजात चाहता था। भाजपा कैंडिडेट नवल किशोर यादव ने चुनाव में दर्ज की जीत। बिहार में बीते दिन विधान परिषद की 8 सीटों के लिए चुनाव की मतगणना में पटना के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जहां भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी नवल किशोर यादव के चुनाव जीतने पर काउंटिंग हॉल के बाहर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जमकर अबीर गुलाल उड़ाने लगे। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव 1296 वोट से जीते हैं। उन्होंने दूसरे स्थान पर रहे नारायण यादव को हराया है। नारायण यादव को 1877 वोट मिला, जबकि नवल किशोर यादव 3173 वोट के साथ आगे रहे। 64वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का शेड्यूल किया गया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। इस संबंध में बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार साक्षात्कार का आयोजन 1 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 तक किया जाना है। सूचना के मुताबिक साक्षात्कार के अगले चरण का कार्यक्रम भी जल्द जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवारों के रोल नंबर के अनुसार साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए गए हैं।
गया से अब दिल्ली के लिए हर दिन विमान सेवा होगी शुरू। गया से दिल्ली के लिए शुक्रवार से अब हर दिन विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। इसके लिए इंडिगो ने शुक्रवार से ही गया दिल्ली रूट पर हर दिन विमान परिचालन का ऐलान कर दिया है, जबकि प्रत्येक रविवार को दो विमान गया और दिल्ली के लिए परिचालित किए जाएंगे। गया एयरपोर्ट डायरेक्टर दिलीप कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि यूं तो इंडिगो एयरलाइंस के विमान सप्ताह में 3 दिन दिल्ली गया रूट पर परिचालित हो रहे हैं, हालांकि शुक्रवार से हर दिन एक विमान गया से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला है। एचआर श्रीनिवास ने राज्यपाल को सौंपी निर्वाचित विधायकों की सूची। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 72 घंटे बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दी है। एचआर श्रीनिवास ने बीते दिन राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर यह सूची सौंपी है। इसके बाद राज्यपाल बहुमत के आधार पर दलों को सरकार बनाने का न्योता देंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए ने 125 सीट पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगह पर आचार संहिता हुई खत्म। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगाई गई आदर्श आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया है, जो कि पिछले 48 दिनों से प्रदेश में लागू थी, जिसकी वजह से न किसी काम की शुरुआत हुई और न ही किसी विभाग में तैनाती हुई। अगर कहीं हुई भी तो वो चुनाव आयोग की तरफ से ही करवाई गई। हालांकि अब भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 11 नवंबर को ही पत्र जारी करके बिहार में आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि रहे कि भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी मतगणना से संबंधित 5 मतगणना स्थल के लिए नहीं है। अब नवंबर और दिसंबर में भी नजर आएंगे केबीसी के मंच पर बिहार के शरद। बिहार के लाल शरद विवेक सागर अब केबीसी के एक्सपर्ट स्टार बन गए हैं। केबीसी में वो पहले अक्टूबर में दिखे थे और अब नवंबर दिसंबर में भी केबीसी के मंच पर शरद देखे जाएंगे। महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद शरद विवेक सागर को कौन बनेगा करोड़पति के धनतेरस और दिवाली स्पेशल एपिसोड में एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया है। अक्टूबर महीने में भी वो कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में देश के सबसे कम उम्र के एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किए गए थे। तेजस्वी यादव ने की रिकाउंटिंग की मांग। हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार चुनाव में विश्वसनीयता को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो चुनाव में रिकाउंटिंग तक की मांग कर दी है। इस बाबत तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कम से कम 20 सीटों पर जानबूझकर हरवाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पोस्टल बैलेट रद्द किए जाने पर भी सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो लोग शिक्षित है, जो जागरूक है, उनके वोट को रद्द किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही जब वोट कैंसिल ही करना था तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान क्यों करवाया जाता है। मांझी ने कांग्रेस को साथ आने के दिए संकेत। बिहार में सरकार बनाने को लेकर एनडीए और महागठबंधन की बैठक करवाई गई थी। एनडीए के घटक दल हम ने बीते दिन नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपने विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया था। मुलाकात के बाद हम अध्यक्ष और इमामगंज से चुने गए विधायक जीतन राम मांझी कांग्रेस में मचे घमासान पर नया दाव खेला है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार और कांग्रेस की नीतियों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कांग्रेस के सभी विधायकों को नीतीश कुमार के साथ आ जाना चाहिए। कांग्रेस की नीतियों और नीतीश कुमार की नीति में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस के लोग विचार करें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाले अभिनेता ने दुनिया को कहा अलविदा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म काइपोचे में काम करने वाले अभिनेता आसिफ बसरा ने कथित तौर पर खुद की जान ले ली है। हालांकि उनके इस कदम का मुख्य कारण क्या है, इसका अभी कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। मिली जानकारी के अनुसार आसिफ बसरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैक्लोडगंज में जोगीबाड़ा रोड स्थित एक कैफे के पास अपनी जान ले ली है। आसिफ बसरा ने यह कदम हालांकि क्यों उठाया है, इस बात की कोई जानकारी अभी हाथ नहीं लगी है। पुलिस ने की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं आसिफ के इस कदम की जानकारी मिलने के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स पर भड़के गौतम गंभीर। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आईपीएल का दो बार खिताब जिताने वाले पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस ने आसानी से हासिल नहीं किया है। केकेआर का यह पिछले 13 सालों में सबसे बड़ा नुकसान है। कोई जो युवा है वो केकेआर की टीम में आता है, 4 साल खेलता है, बिल्कुल हमारी उस समय की बल्लेबाजी को देखते हुए उनको वो बल्लेबाजी नंबर नहीं मिला जहां उनको खेलना चाहिए था। मनीष पांडे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन सूर्य कुमार नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। केकेआर आसानी के साथ सूर्य कुमार के आसपास बन सकती थी।
व्हाट्सएप के बीटा यूजर को मिला डिसअपियरिंग मैसेज फीचर। व्हाट्सएप ने पिछले हफ्ते डिसअपियरिंग मैसेज फीचर की जानकारी दे दी है। वहीं यह भी साफ कर दिया था कि यह एक महीने के अंदर iOS और एंड्रॉइड उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके बाद अब व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड बीटा यूजर के लिए डिसअपियरिंग मैसेज फीचर को रोल आउट कर दिया है। व्हाट्सएप के आगामी फीचर्स की जानकारी देने वाले WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप बीटा यूजर अब नए फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,660 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,660 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शिवशंकर कुमार, जय जितेंद्र, विकी कुमार, ओमकार सिंह, रिंकी निराली, ब्रजेश तिवारी, योयो जी, सोनू कुमार, SGS एंटरटेनमेंट, बम बम कुमार, सोनू यादव, सूर्या सिंह, दिलखुश कुमार यादव जी, सुजीत कुमार, अमरेश चौधरी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, विनोद कुमार मंडल, मोहम्मद शहजाद अकील। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बीते दिन किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए आरोप के तहत वोटों की दोबारा गिनती की मांग सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।